बस्तर प्रकृति का अनुपम उपहार है। कुदरत ने बस्तर का श्रृंगार गुफाओं, घने जंगलों, झरनों, जलप्रपातों, नदियों, ऊंची पहाड़ियों, गहरी खाइयों से किया है। चित्रकूट, तीरथगढ़, मिंद्री घूमर जैसे जलप्रपातों की खूबसूरती तो देखते ही बनती है, पर अभी आप स्क्रीन पर जिस खूबसूरत स्थान का दृश्य देख रहे हैं, ये है तीरिया। पर्यटन स्थलों की श्रेणी में शुमार बस्तर जिले का तीरिया अब लोगों की खास पसंद बन रहा है। हाल ही में हमारी टीम के साथ यहाँ मेरा फिर से आना हुआ। रात और फिर सुबह, इन दोनों ही वक्त में खूबसूरती को कैद करने का मुझे अवसर मिला। जिन दृश्यों को अभी आप देख रहे हैं, यही है तीरिया। जगदलपुर से आड़ावाल और रेलवे क्रॉसिंग को पार कर कुरंदी से होते हुए हम पहुंचते हैं लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर स्थित यह पर्यटन स्थल तीरिया। यहाँ एक गांव भी बसा है। कुरंदी के बाद घने जंगलों से होते हुए हम यहाँ पहुंचते हैं। कल कल बहते झरनों की आवाज निश्चित रूप से आपका मन मोह देगी। घने कोहरे के बीच प्रकृति की सुंदरता दबी दबी छुपी छुपी कुछ इस तरह दिख रही है। आप यहाँ एक निश्चित राशि देकर नौका विहार भी कर सकते हैं।
इस स्थल से ही कुछ और दूरी तय करने के बाद उड़ीसा राज्य में स्थित बाबा भोलेनाथ का मंदिर गुप्तेश्वर है।